दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, भीम आर्मी का जहाँ पे प्रदर्शन होने वाला है मेला ग्राउंड में। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। मुर्दाबाद। आप लोग ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता हैं सभी? ओबीसी महासभा का प्रदेश सचिव हूँ, मेरा नाम नरेंद्र पटेल है और हमारे छतरपुर में भीम आर्मी का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। उन लोगों ने हमें समर्थन मांगा है और हमेशा एक दूसरे का समर्थन करते हैं हम लोग। तो क्या छतरपुर के जो बाबा है बागेश्वर धाम, उनके खिलाफ आप सभी मैदान में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, अगर वो उनके भाई जो गलत किया था उनके हम लोग समर्थन में विरोध करने वहाँ बागेश्वर धाम गए थे, और अगर इसी प्रकार से उनका उनके भाई का जो गलत रवैया रहा तो हमेशा उनका विरोध करेंगे। अब ये देख सकते हैं कि एक घंटे में उनको गिरफ्तार किया जाता है और कुछ ही पल में जमानत दी जाती है, तो इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे आप लोग समझदारी मनुवादी सोच के लोग यहाँ से लेकर न्यायालय से लेकर थाने तहसीलों तक उनकी सरकार बैठी हुई है। जब तक यह आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, पूर्णतः सरकार पर आरोप लगाते हैं कि इस प्रकार का जो आज जिस प्रकार से जमानत दी गई है उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने हस्तक्षेप अपना पक्ष उनका पक्ष है, मान लो सालिक राम जी का पक्ष पूर्ण रूप से गलत तरीके से रखा है। सर आप ओबीसी के नेता है और ओबीसी की अभी तक जाति आधारित गिनती नहीं हुई है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? रोगी साहब, अभी क्या है, अभी हमारे लोग धीरे धीरे जागते जा रहे हैं, जिस दिन जाग जाएंगे तो वो तो एक दिन में आरक्षण देना पड़ेगा भाई, जिसकी जितनी संख्या है उतनी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छा, तो इस बार ओबीसी का रुख क्या है चुनावों को लेकर? समय आने दो, ओबीसी कोई अपनी ये जो ओबीसी महासभा कोई पार्टी बना के चुनाव लड़ेगा? नहीं, अभी हमारी कोई पार्टी नहीं, हमारा संगठन है और जो हमारे ऊपर के पदाधिकारी लोग बोलेंगे हम लोग हमारी टीम पूरी काम करेगी। सर आप ये बताइए, जिस प्रकार से आज चंद्रशेखर जी आने वाले हैं, तो क्या अगर चंद्रशेखर जी की पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ती तो क्या ओबीसी महासभा के जो पदाधिकारी है एवं कार्यकर्ता है उनका साथ देंगे, सम्मिलित होंगे उनके साथ? अभी जो जैसे आजाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी है जी, उनकी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर और प्रदेश के जो पदाधिकारी निर्णय लेंगे, आज वो उनके साथ में है, कल उनके साथ में और भी जनतालुमिल क्या कितनी सीटें मांगते हैं क्या करेंगे वो ऊपर का विचार है, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं लेकिन हमारा आज सहयोग का दिन है और हमेशा सहयोग करते रहे। कितनी संख्या में ओबीसी कार्यकर्ता आने वाले हैं यहाँ? लगभग आज कम से कम 50,000 की जनसंख्या में हमारे ओबीसी महासभा की टीम आने वाली है, 2 घंटे राय के पूरे मध्य प्रदेश से आ रही टीम, पूरे मध्य प्रदेश से ओबीसी महासभा की टीम आ रही है। अगर इसके बाद भी आंदोलन के बाद भी शालिग्राम जी जो है उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है और धाराएं उनके ऊपर दर्ज नहीं होती तो फिर क्या होगा? उसका कारण तो यहाँ पर बैठे एक हमारा सांसद खजुराहो का बी डी शर्मा और बी डी शर्मा जी भाजपा अध्यक्ष है, इसकी वजह से यहाँ पर जो SC ST OBC अत्याचार हुआ है वो पूरा योगदान उनका रहता है कि SC ST पर अत्याचार को माननीय BD शर्मा का बड़ा आरोप लगा रहा है BD शर्मा। हाँ ना, BD शर्मा का रहेगा तो SC ST OBC नेतागिरी करने के नाम भी नहीं रहेगी।